नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अफजल आफ्ताब और मैं खड़ा हूं शिव मंदिर प्रांगण में। कल हमारे सांसद जनार्दन मिश्र द्वारा महिला शराब को लेके एक बयान दिया था कि महिलाएं युवतियां शराब पीती हैं, उसके खिलाफ़ आज महिला कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। और उस मोर्चा खोलने के दौरान उन्होंने कहा है कि अगर सांसद महोदय अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो आगे इसका और बड़ा आंदोलन होगा और वो अपना बयान वापस लें। रीवा जिले के सांसद जनार्दन मिश्रा जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कल उन्होंने कहा कि महिलाएं शराब पीती हैं, 15-16 साल की लड़कियां कोरेक्स पीती हैं, शराब पीती हैं, चाउमीन खाती हैं, इसीलिए बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। मैं पूछती हूँ कि आखिर उनके परिवार में उनके घर की महिलाएं शराब पीती हैं या उनकी जो मातृ संस्था भारतीय जनता पार्टी का ऐसी संस्कृति है क्या? जब वो पार्टी विथ डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या उनका यही मतलब है कि उनके यहाँ शराब पिया जाता है? यदि मध्य प्रदेश में कुपोषण नंबर वन रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? विगत 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। मैं ऐसे सांसद की निंदा करती हूँ। पूरी नारी शक्ति आज एक साथ खड़ी है, बेलन लेके रीवा जिले की महिलाएं यहाँ पर उतरी हुई हैं और उनसे सांसद जी से मैं साफ साफ स्पष्टता के साथ कहती हूँ कि अपना बयान वापस लें। उन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया है, उस बयान को वापस लें और माफ़ी मांगे, और नहीं तो हम लोग उनके घर धावा बोलेंगे, आंदोलन करेंगे और उनको वापस लेना पड़ेगा। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अनुरोध करती हूँ कि ऐसे विक्षिप्त सांसद से माफ़ी मंगवाएं। आप सबको याद है कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक बार एक डॉक्टर साहब जो कि बहुत अच्छे हैं, दीर्घायु हैं, शतायु हैं, उनकी मृत्यु की भी बात की थी। तो ये लगातार ऐसे तरीके से बात करते रहते हैं। और नारी शक्ति हमारी जो देश की अस्मिता को, संस्कृति को सुरक्षित करती है और जिसका हम आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, और नारी शक्ति के कारण ही आज चाहे गांधी जी की बात हो, चाहे शिवाजी की बात हो, यदि ये अपनी माताओं के कारण है तो आप ऐसी माताओं के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। 15-16 साल की कौन सी लड़की शराब पीती रीवा में? मुझे एक लड़की का नाम बता दो, मैं राजनीति से संन्यास लेने छोड़ दूंगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हाँ, हो सकता है कि इनकी भारतीय जनता पार्टी जो परिवार है उसमें पीती हो, इसलिए इनके अनुभव इसी टाइप के होंगे। देखिए, हर दल में महिलाएं काम कर रही हैं, घर परिवार को की जिम्मेदारी भी निभाती हैं और बाहर भी आकर के काम करती हैं। केवल कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भी जो दल हैं, सभी जगह महिलाएं काम करती हैं। लेकिन अगर इस तरह से सांसद जी का रवैया रहेगा महिलाओं के प्रति, तो इससे महिलाएं बहुत दुखित हैं और आने वाले समय में
एक तो ये होगा कि भाई यदि हम बाहर निकलते हैं तो हमें अनाप शनाप कहा जाता है। ये हर दल की महिलाओं का अपमान है, केवल कांग्रेस की महिलाओं का नहीं है, पूरी महिला समाज का अपमान है। और इनको आधी आबादी महिलाओं की है और उन्होंने भी वोट देकर के इनको सांसद बनाया है, लेकिन सांसद बनने के बाद में जाने इनको इनकी बुद्धि को क्या हो गया है कि अनाप शनाप कुछ भी बकते जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों का आज ये कविता दीदी के नेतृत्व में छोटा सा ये प्रदर्शन था। इसके बाद और रणनीति बनेगी, अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग इसको बड़ा आंदोलन करने की प्रयास करेंगे और इनके खिलाफ बड़ा आंदोलन भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, हम महिलाओं का कहना है और कांग्रेस पार्टी का भी कहना है, सांसद जी आए दिन ऐसा बयान देके कुर्सियों में रहना चाहते हैं, हमेशा गलत सलत बयान देते हैं, जिंदा आदमी को वो मुर्दा बना देते हैं। हम आज कविता दीदी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग ये इस आप लोगों के माध्यम से सांसद जी से ये कहना चाहते हैं कि सांसद जी अगर वास्तव में सठिया गए हैं तो अपने पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो अभी तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा भगवान शिव मंदिर के सामने उनको सद्बुद्धि देने के लिए यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर वो नहीं अपने आदत से बाज आते तो हम लोग रीवा ज़िले के हर कोने कोने में गांव गांव में जाके सांसद जी जहाँ भी जाएंगे उनको काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। ये हैं और महिला कांग्रेस द्वारा सांसद द्वारा जो बयान दिया गया है उस पर क्या कहना चाहती हैं? आज तो ये छोटा सा आंदोलन करके हम लोगों ने मौका दिया है सांसद जी को कि वो माफ़ी मांगे, अगर वो नहीं मांगते हैं तो आज जो कविता दीदी के नेतृत्व में ये छोटा सा हुआ है और कल ये सड़कों पे हम लोग उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इसके लिए उनको तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए।